नमस्कार, मैं हूं पूजा चौधरी और आप देख रहे हैं चम न्यूज। ठाकुरली मार्ग पर स्थित कचौरे गांव के स्थानीय लोगों को सोमवार को हुए एक विचित्र घटना से झटका लगा। स्थानीय लोगों ने कचौरे के पास की खाड़ी में फंसे दो बच्चों को बचाया है। इसमें एक 6 महीने का शिशु भी शामिल है। जिस महिला ने बच्चों को खाड़ी किनारे छोड़ा, उस महिला की तलाश जारी है। महिला ने खुदकुशी की या बच्चों को वहां छोड़कर चली गई, इसकी जांच विष्णुनगर पुलिस कर रही है। आपको बता दें कि सोमवार दोपहर में एक महिला दो बच्चों के साथ खाड़ी किनारे आई और दोनों बच्चों को छोड़कर वहां से लापता हो गई। थोड़ी देर बाद कुछ स्थानीय लोगों ने खाड़ी किनारे दो छोटे बच्चों को देखा और चौंक गए। उनमें से एक 2 साल का था और दूसरा 6 महीने का। गंभीर बात यह है कि खाड़ी में पानी का भराव शुरू हो गया था। दोनों जहां थे वहां से पानी कुछ इंच के अंतर पर ही था। कचौरे गांव के स्थानीय रहवासी गणेश मुकादम, अमित मुकादम और तेजस मुकादम ने मौके पर पहुंचकर बिना किसी देरी के उन्हें खाड़ी से बाहर निकाला। इन बच्चों को बाहर निकालने में थोड़ी भी देरी होती तो शायद बच्चों की जान को खतरा हो सकता था। वो तो मैं देखा, दोपहर से 3-4 सुमारस टाइम होता, 3-4 सुमारस मी घरी होतो आणि घरच्या कारणाने कालून कोणीतरी आवाज दिला की खाडीवर असे असे ठिकाणी दोन मुलं पाण्यात ठेवलेले आहेत। तर तेव्हा तिथून मी पळत आलो आणि त्या पहिला मुलांना बाहेर काढलं। मुलांना बाहेर काढल्याच्या नंतर पोलिसांना कन्फर्म केला, त्याच्यानंतर पोलीस आले। मग पोलिसांनी इन्क्वायरी केली, तिचा मोबाईल चप्पल वगैरे त्याच्यामध्ये सर्व सापडलं गेलं। मग त्याच्यानंतर आता पोलीस पुढचा तपास करत आहेत। मोबाईल वगैरे ते पोलीस आल्यानंतर त्यांनी शोधून काढला, मोबाईल तिथे ठेवलेला समोरच्या मंदिरासमोर। या मुलांना एक महिला तिथे सोडून गेली। हा, साधारण किती वाजता सुमारास? कमीत कमी 1:30 असेल, कारण की 3 वाजता त्या मुलांना आम्ही बाहेर काढलं। बाहर निकालने के बाद लोगों ने पुलिस को खबर दी। पुलिस ने तहकीकात शुरू किया। पुलिस को घटना स्थल से थोड़ी दूर पर प्रिया शाह नामक महिला का मोबाइल फोन, चप्पल और बच्चों के खिलौने मिले हैं। बच्चों को डोंबिवली के एक अनाथ आश्रम में रखा गया है। तत्काल आमचे अधिकारी PSI सोनवणे व स्टाफ त्या ठिकाणी गेले। त्यांनी त्या दोन्ही लहान मुलांना आमच्या महिला पोलीस अंमलदाराच्या मदतीने ताब्यात घेतलं आणि त्या ठिकाणी चौकशी केली असता त्या बाळाची आई काही कुठं आढळून आली नाही। बराचसा शोध घेतला, त्या परिसरात शोध घेतला, परंतु माहिती मिळून आली नाही। मग त्या बाळाला इकडे घेऊन आलो आणि मग आमची इतर माहिती आणि चौकशीच्या अनुषंगानं आता एवढी माहिती मिळालेली आहे की त्या बाळाच्या आईचं नाव प्रिया शाह असं आहे, परंतु ती 90 फीट रोड किंवा त्या परिसरात कुठेतरी राहते एवढीच माहिती मिळालेली आहे। तर ऑलरेडी आमचं एक पथक त्या ठिकाणी त्यांचा शोध घेत आहे। तर ती आई मिळून आली किंवा त्यांच्याकडे नातेवाईक मिळून आले तर पुढील त्याप्रमाणे कार्यवाही करीत आहोत। तो ये थी आज की हमारी खास खबर। इसी प्रकार की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए एचएम न्यूज़।